समादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहेतुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन् सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्या शंभो शिव 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 नारायणं नारायणं नारायणं। धर्म मूलम् हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः। स्मितं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः। अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्।
संतोष समृद्ध सेवा ग्राम्य हो परम शनि नृणाम विपर्य मौन महात्म विमर्शनम नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 7 से सर्ववेदमयो हरि भगवान सर्ववेद स्वरूप हैं, वेदात्मक ही भगवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान वेदों के वेद्य भी हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, और वेद स्वरूप भी हैं। भगवान के समान ही वेद भी अनादि हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भगवान के निश्वास कल्प ही वेद हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी साज श्वास सुतिचारी ऋक यजु सामर्थ्य, ये चारों वेद भगवान के साज श्वास स्वरूप हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तब पृथक से बुद्धि और प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही भगवान के निश्वास स्वरूप वेद हैं, साज श्वास स्वरूप वेद हैं। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते वाक्यपदीयम, जो कि व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, उसके अनुसार व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुभेद न हो, शब्द की अनुगति न हो। पिछले दिनों हमने उदाहरण दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा अंतःकरण, संकल्प विकल्पात्मक मन है, अध्यवसायात्मिका बुद्धि है, स्मरणात्मक चित्त है, गर्वात्मक अहम है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का अनुभेद न होने दें तो न तो संकल्प हो सकता है न विकल्प ही, निश्चय भी नहीं हो सकता, स्मरण भी नहीं हो सकता, गर्व भी नहीं हो सकता है। शब्द विहीन जो ज्ञान होता है वह तो भगवत तत्व परमात्म तत्व आत्म तत्व ही सिद्ध होता है। शब्द शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों के योग से ही सृष्टि की संरचना होती है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है, वहाँ पर ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द ब्रह्मण निष्णाता पर ब्रह्माधिगच्छति, श्रीमद्भागवत के इस वचन के अनुसार जो शब्द ब्रह्म में निपुण होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म में निपुण को श्रोति कहते हैं, पर ब्रह्म में निपुण को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। गीता में श्रोति के लिए ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ के लिए तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथे अध्याय में उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति वह लौकिक उत्कर्ष में से भी समर्थ होता है, पारलौकिक उत्कर्ष में भी समर्थ होता है, परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति और प्राप्ति में भी समर्थ होता है। जीवन उसी का सार्थक है जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो, निपुण हो, यह अभिप्राय। जीवन को सार्थक करने वाले शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ही सिद्ध हैं।
वेदों का तात्पर्य अर्थात अपूर्व प्रतिपाद्य क्या है, धर्म है, ब्रह्म है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदों के तात्पर्य का ख्यापन हुआ है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। अपूर्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाध्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणों की जिसमें गति न हो। माना कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणों में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, लेकिन वेदार्थ के प्रतिपादन में उसकी गति नहीं है। इसलिए वेदार्थ को समझने पर ही जीवन की कृतार्थता संभव है। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। इसलिए कहा गया धर्म के मूल कौन हैं, भगवान। वो कैसे हैं, सर्ववेदमय हैं, सर्ववेदमयो हरि। उनके तत्व को जानने वाले महर्षि हैं, उनके द्वारा विनिर्मित मनुस्मृति आदि जो हैं उनके अध्ययन अनुशीलन से भी धर्म का ज्ञान होता है। आत्मग्लानी ना हो, आत्मप्रसाद की उपलब्धि या स्फूर्ति हो, वह कर्म धर्म का मूल है। बहुत ऊंचा सिद्धांत, धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसिद्धति। देहेन्द्री प्राणांतःकरण में प्रसाद का संसार हो, किसी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न न हो, आत्म प्रसाद की प्रसन्नता की हर प्रकार से अभिव्यक्ति हो, इस प्रकार का जो कर्म है उसी का नाम धर्म है। अर्थात धर्म के मूल में कर्म, कर्म कैसा चाहिए। आजकल हम कहा करते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनकी मान्यता होती है लूटो पीटो मौज करो। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कहीं मैं तमोगुणी तो नहीं हूँ, लूटो पीटो मौज करो के मार्ग पर तो नहीं चल रहा हूँ। जो रजोगुणी होते हैं खाओ पियो मौज करो, जो सात्विक होते हैं वो जियो और जीने दो की भावना से भावित होते हैं, जो शुद्ध सात्विक होते हैं सबके प्रिय सबके हितकर जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन सबके प्रिय सबके हित में संलग्न होता है। सर्वभूत हिते रताः, श्रीमद्भगवद गीता पाँचवा अध्याय बारहवा अध्याय। क्षयाय जगतो हिता, श्रीमद्भगवद गीता सोलहवा अध्याय। सज्जन संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उनका जीवन सर्वहितप्रद सिद्ध होता है। जो दुर्धन हैं वो अपने और अन्यों के हित पर पानी फेरने में ही संलग्न रहते हैं। क्षयाय जगतो हिता, जगत के हित पर पानी फेरने वाले दुर्जन होते हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, लूटो पीटो मौज करो कि गाथा तो मेरे जीवन में चरितार्थ नहीं है, या मेरा जीवन कहीं खाओ पियो मौज करो तक ही सीमित तो नहीं है। तमोगुणियों की भावना होती है लूटो पीटो मौज करो, रजोगुणियों की भावना होती है खाओ पियो मौज करो, सात्विक व्यक्ति की भावना होती है जियो और जीने दो। जो शुद्ध सात्विक गुणातीत होते हैं वे सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवन यापन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बारहवें अध्याय में ऐसे मनीषियों के लक्षण का वर्णन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। किसी के प्रति द्वेष नहीं पालना चाहिए, द्वेष पालेंगे तो
अंतःकरण जलेगा, द्वेषाग्नि में दूषित होगा, जलेगा। द्वेष किसी के प्रति न हो, सबके प्रति मैत्री का भाव हो, सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवन यापन करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। पुराणों का कथन है, आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। इस हाथ से दो तो उस हाथ से लो। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। महाभारत के शांति पर्व में एक अध्याय के माध्यम से इस तथ्य को उद्घोषित किया गया कि एक हिंसक भी दूसरे से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अब मेरी कोई हिंसा न कर दे, मेरी बहू बेटी मेरे सगे संबंधियों की कोई हिंसा न कर दे। एक नंबर का झूठ बोलने वाला भी दूसरों से झूठ बोलने की भावना नहीं रखता, कहीं कोई झूठ बोलकर मुझे चकमे में न डाल दे। अब्बल दर्जे का चोर भी यही सोचता है कि मैंने तो भले दूसरों की सामग्री चुरा ली हो, मेरी सामग्री को चुरा के ना ले जाए। एक नंबर का व्यभिचारी भी यही सोचता है कि हमारे साथ हमारी बहू बेटी के साथ कोई अभद्र व्यवहार न करे। दूसरों की संपत्ति को लूट कर धनाढ्य हुआ व्यक्ति भी यही सोचता है कि लूटी हुई संपत्ति को लूट कर कोई धनाढ्य न हो जाए। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें। हमने आठवीं कक्षा में पोयम पढ़ा था, वर्स, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें, यह जीवन का स्वर्णिम सिद्धांत है। यह कहा, धर्म मूलम ही भगवान, भगवान ही धर्म के मूल हैं, इसलिए धर्मालंबन का चरम फल भगवत प्राप्ति ही है। सर्ववेदमयो हरि, ऐसे जो भगवान हैं सर्ववेदात्मक हैं। स्मितम च तद्विदाम राजन, ये न चात्मा प्रसिद्धति। हे राजन, नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा, महर्षियों की जो स्मृतियाँ हैं, मनवाद स्मृतियाँ, वे धर्म के मूल हैं। धर्म ज्ञान के लिए मनवाद स्मृतियों का अध्ययन अनुशीलन आवश्यक है, जिससे आत्मग्लानि न हो। ऐसा काम न करें कि बाद में पश्चाताप करना पड़े, पछताना पड़े, जिससे जीवन में प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हो। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार हो। जैसे जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को कहीं सम्मुख सानुकूल गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो लोहा चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। वैसे ही जिसका चित्त राग द्वेष से विनिर्मुक्त है, उसका चित्त सर्वतोभावेन परमात्मा की ओर ही समाकृष्ट होता है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, ये तीन हैं। जिसका चित्त आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, महात्मा की ओर समाकृष्ट होता है, उसका चित्त शुद्ध और समाहित है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, लेकिन आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व का ज्ञान दुर्लभ है, परमात्मा का ज्ञान भी दुर्लभ ही है। महात्मा ऐसे हों जो आत्मा और परमात्मा के विज्ञान से युक्त हों, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान कराने में समर्थ हों।
महात्मा के माध्यम से आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों से दूरी रखना अपने हित पर पानी फेरना है। जो व्यक्ति गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर हो जाता है बस उसका जीवन कलुषित हो जाता है। बहुत से ऐसे गुरु हो जाते हैं कि स्वयं तो गुरु हो गए लेकिन गुरु गोविंद और ग्रंथ से स्वयं दूर हो गए। गुरु गोविंद और ग्रंथ इन तीनों से दूर नहीं रहना चाहिए। जीवन को सार्थक करने वाले तीन हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ। वो गुरु गुरु नहीं जो गोविंद और ग्रंथ से दूर रखे, लेकिन ग्रंथ का ज्ञान और गोविंद का ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही होगा। इसलिए जीवन में उत्कर्ष चाहते हों तो गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों से संबंध बनाए रखें। अब धर्म का स्वरूप हमने कल कहा, एक लहर चला देते हैं राजनेता लोग, उसका नाम हमने रखा है शब्द वेदी बाण। स्वार्थ साधने के लिए राजनेता लोग कोई ना कोई शब्द वेदी बाण का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र भारत में भारत की दिशाहीनता का कारण शब्द वेदी बाण है। किसी ने कह दिया हरिजन, एक ने कह दिया दलित, एक ने कह दिया आदिवासी, एक ने कह दिया सवर्ण, एक ने कह दिया असवर्ण। इन शब्दों ने कहाँ पहुँचा दिया भारत को। शब्द वेदी बाण का प्रयोग करने वाले राजनेता तो रोटी सेक गए स्वार्थ की, देश को कहाँ पहुँचा दिया। शब्दों के द्वारा मारा गया भारत है। विशेषकर स्वतंत्र भारत में कूटनीतिज्ञ राजनेताओं ने इन शब्दों को ख्यापित करके देश को दिशाहीन कर दिया। अपनी स्वार्थ की रोटी, अपने स्वार्थ की रोटी तो सेक गए, देश को बहुत नीचे पहुंचा दिया। किसी ने कहा हरिजन, किसी ने कहा दलित, किसी ने कहा आदिवासी, किसी ने कह दिया सवर्ण, किसी ने कह दिया असवर्ण। लो जी, इन शब्दों ने कहाँ पहुँचाया शब्द वेदी बाण। अगर गुड़ खवाने से कोई मरता हो तो संख्या क्यों दें। केस भी कोई कर देगा तो कहेंगे मैंने तो गुड़ दिया भाई, विष नहीं दिया, गुड़ का अंश भी है देख लो, परीक्षण करो, इसमें तो कोई विष नहीं है। गुड़ खबाने से वो सो गया दार वाला नहीं। गुड़ खबाने से कोई मरता हो तो उसको विष देने की क्या आवश्यकता है। शब्द वेदी बाण से ही काम चल जाए, लोग मर जाएं, गुमराह हो जाएं, दिशाहीन हो जाएं, तो फिर सचमुच में बाण चलाने की क्या आवश्यकता। इसलिए किसी ने क्या कहा दलित, किसी ने कह दिया हरिजन, किसी ने कह दिया आदिवासी, किसी ने क्या कह दिया सवर्ण, किसी ने क्या कह दिया असवर्ण। इन शब्दों के द्वारा राजनेताओं ने अपनी रोटी तो सेक ली, देश को कहाँ पहुँचा दिया। आज एक विश्वविद्यालय की कुलपति महिला का वक्तव्य आया था, ब्रह्मा जी भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो सकता है। दिल्ली में कहने विश्वविद्यालय देखना आज अखबार में, ब्रह्मा जी के पद पर छोटे मोटे ने राष्ट्रपति नहीं कहा, ब्रह्मा जी के पद पर भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सकता है। उसने तो लोगों ने ताली भी बजाई होगी, खूब बजाई होगी, ऐसा तो किसी ने कहा है ना। अखबार देखना चाहिए,
ब्रह्मा जी के पद पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी पहुंच सकता है, इसलिए कोई बड़ी विकट बात। तो इन सबों का काम, बहुत से तो ऐसा हो क्या बोल रहा हूँ कुछ भी स्वयं भी नहीं पता चलता। एक सियार ने बोल दिया वन में, तो बाकी सियार क्यों बोला इसने कुछ नहीं पता, वो करने लग जाता, वैसे ही होता। शब्द वेद ही वाण के द्वारा भारत मारा गया। क्यों मारा गया, दाल क्यों गली? ज्ञानपूर्वक सुनिए, जब गुरुकुल की पढ़ाई थी सुरक्षित, स्कूल की पढ़ाई थी, तो हर व्यक्ति क्या होते थे, प्रबुद्ध होते थे। अच्छा, जो गुरुकुल स्कूल से दूर रहते थे उनको भी गुरुकुल स्कूल के माध्यम से पढ़ने वाले व्यक्तियों का संग सत्संग सुलभ होता था, प्रवचन सुलभ होता था, सब के सब धर्म के विषय में मर्मज्ञ होते थे। ये माताएं कथा सुनने जाती पुराणों की, और छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर जाती, वो बच्चे भी प्रबुद्ध हो जाते थे। हमारी चाची हमको गोद में बैठा कर सत्संग में ले जाती, पुराण की कथा सुनवाती थी। न्यायाचार्य सब, गंगेश मिश्र ये सब न्यायाचार्य सब धुरंधर विद्वान कथा कहते, हम सुनते, उसका प्रभाव पड़ा तो हमने संकेत कह दिया, कर दिया। आत्मग्लानी ना हो, आत्मप्रसाद की स्फूर्ति हो, ऐसे कर्म का नाम धर्म है। लौकिक उत्कर्ष पर, लौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जिससे हो, इस प्रकार के कर्म का नाम ही धर्म है। उद्धारक कर्म का नाम धर्म। सत्यम दया तप शौचम तितिक्षेक्षा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागस्य स्वाध्याय अर्जवम संतोष समधिक सेवा ग्राम्य हो परम शनैः इनाम विपर्येक्षा मौनमात्म विमर्शनम अन्नाद्यादेश संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम निशुपाण्डव श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम मातां गतेह सेव्यजावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारः संस्काराय यदविच्छिन्ना सद्विजो जो जगादयम् इद्याद्यन दानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रम नोदिता। यह सब अब धर्म के प्रति जो ग्लानि उत्पन्न की गई राज ठाकरे जी के समय से, बाल ठाकरे जी के समय से धर्म के प्रति, शब्द के प्रति भी ग्लानि उत्पन्न की गई। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। लोग धर्म शब्द के प्रति भी चिर उत्पन्न कर दिया गया, जैसे धर्म कोई हेय पदार्थ हो। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। अरे धर्म शब्द से भी परे, इसलिए कहा यह। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम तो धर्म है। आजकल मैं प्रायः रोज कहता हूँ, प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा, पानी पीने पर प्यास के निवृत्ति हुए बिना नहीं रहेगी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार हुए बिना नहीं रहेगा, तृप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भोज्य पदार्थ अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेंगे, अन्न का सेवन करने पर भूख की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार होगा, अंत में तृप्ति होगी। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि को क्यों तापना चाहता है?
अग्नि तप तो अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा, अग्नि तापेंगे तो शीत का निवारण होगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी। अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता, आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी, अगर हाथ डालूंगा तो आग उसको जलाए बिना नहीं रहेगी। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक है उसी का नाम धर्म है। धर्म से परहेज का अर्थ हुआ अपने से ही परहेज, कल्याण से परहेज अपने हित पर पानी फेरने का कुचक्र। सत्यम दया, इसीलिए धारणा धर्म है, जो धारक और उद्धारक हो उसी का नाम धर्म है। धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। धर्म के दो भेद हैं, सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है। पृथ्वी के जो भी कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच का धारक उसे धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम धर्म, सिद्ध कोटि का धर्म। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आत्मा का नाम धर्म है। आत्मा परम धर्म है, सबका धारक है। आत्मज्ञान से सबका उद्धार भी होता है, जो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। सत्य धर्म है, दया धर्म है, तप धर्म है। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तन, महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, ब्राह्मीयम कृते तनु देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। हमने बताया आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर जिसका चित्त असमाकृष्ट हो समझना चाहिए कि उसका जीवन धर्मयुक्त है। आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर जिसका चित्त समाकृष्ट हो, गुरु गोविंद और ग्रंथ की ओर जिसका चित्त समाकृष्ट हो समझना चाहिए पुण्यात्मा है। गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर भागने की भावना हो समझना चाहिए पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। सत्यम सत्य धर्म है, दया धर्म है। कल मैंने बताया था संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुख कार्य। विवेक गर्भित होना चाहिए, दया भी किसी पर करें तो विवेक की सीमा में, विवेक का परित्याग करके दया भी घातक सिद्ध हो जाती है। जीवन में सत्य हो, दया बिना संत कसाई, दया होनी चाहिए। सत्यम दया तप, जीवन में तप होना चाहिए। तप योग समाधि के द्वारा जीवन में दिव्यता का संचार होता है। देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण के कालुषिका दाह जो करने में समर्थ हो उसी का नाम तप है। शौचम आजकल तो बस शौचम माने शुद्धता। एक ऐसी हवा चली, मिट्टी के प्रति ही ग्लानि उत्पन्न कर दी गई, इसलिए मिट्टी के होके कोई राजनेता या व्यक्ति रहना नहीं चाहता। नहीं ध्यान आया, गद्दे पर जो व्यायाम करते हैं और पहलवानी दिखाते हैं कभी देश के काम आ सकते? यहाँ भी कोई बैठेगा बच्चा उठने समय, मन माता पिता का प्रशिक्षण यह है कि मानो हाथ में गंदगी लगी, यहाँ भी
इस चीज को मोदी जी ने लिया अपने प्रवचन प्रकारांतर से सुनते तो हैं। मिट्टी के प्रति प्रेम समाप्त कर दिया स्वतंत्र भारत में, इसलिए भारत का काम भारत की मिट्टी से ही जिसको पड़े हो जाए वो देश का काम नहीं हो सकता, चाहे IPS हो IAS हो राजनेता हो। नहीं ध्यान गया, हम लोगों ने पहलवानी की 10 साल से 15 साल, उसके बाद हम इधर आ गए। मिट्टी, अब मिट्टी से प्रेम नहीं है। पहलवानी भी करते हैं गद्दे पर, किसी देश का देश के काम आ सकते क्या? ना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा मिट्टी से प्रेम ना होने पर, इसलिए साबुन भी काम मिट्टी का उपयोग ही नहीं करते। कम मिट्टी में काम चल जाए, मुल्तानी मिट्टी के चूर्ण का उपयोग करो, मिट्टी तो है ना, हम तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करते हैं। मिट्टी से ही परहेज कर दी, इसलिए मिट्टी के काम, भारत की धरती के काम ये लोग आ ही नहीं सकते आधुनिक व्यक्ति। मिट्टी से परहेज, गद्दे पर कुश्ती लड़ेंगे, गद्दे पर पहलवानी दिखाएंगे और किसी काम के नहीं, इसलिए मिट्टी से प्रेम नहीं है आजकल। सत्यम दया तपः शौचम, शौच माने शुद्धि, स्वच्छता अलग चीज है, शौच अलग चीज है। शौच शुद्धि को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता का ध्यान रखिए। चर्बी से बने हुए साबुन से हाथ धोएंगे क्या शुद्धि रहेगी? शुद्धि रह ही नहीं सकती है। चर्बी से बने हुए साबुन से हाथ धोएंगे शुद्धि नामक कोई चीज़ नहीं रहेगी। चप्पल जूता पहन के भोजनालय में भोजन बनाएंगी देवियाँ क्या शुद्धि रहेगी? चप्पल जूता पहन के भोजन करेंगे वो भोजन तो विषयी हो जाएगा ना। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बने, भगवान को भोग लगा करके भोजन प्राप्त करें उससे बल प्राप्त होगा। केवल पेट भरने के लिए भोजन बनेगा ये पचन त्यात्म कारुणात भगवान ने कहा, वो भोजन नहीं पाप ही है। पाप को ही खाते हैं जो पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, जिनके यहाँ भोजन भगवान को भोग लगाने के लिए बनता ही नहीं वो क्या करेंगे। इसलिए नेताओं ने कहा स्मार्ट सिटी, अब बोलना बंद कर दिया है, उससे संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। लो जी, सिटी माने शहर, स्मार्ट सिटी विकसित सिटी। अब ये क्या हुआ जी, वन के प्रति अनास्था उत्पन्न करने हुए या नहीं? हमने उत्तराखंड की यात्रा की, सब गांव खाली, वन खाली, सब शहरों में भाग गए, फल क्या हुआ मालूम है? चीन के शिकंजे में पूरा उत्तराखंड आ गया है। ये पलायन कर रहे नगर की ओर, चीन दौड़ के धीरे धीरे नहीं द्रुत गति से उन सब पर कब्जा किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या, वन से पलायन करो, गांव से पलायन करो, छोटे कस्बे से पलायन करो, महानगर बना दो उसमें निवास करो, क्या हुआ जी? एक बार पूज्य वामदेव जी महाराज ने हमसे कहा, मनुस्मृति आदि में जिस प्रकार की दिनचर्या का वर्णन है, क्या शहरों में रहकर उस प्रकार की दिनचर्या संभव है? हमने कहा बिल्कुल नहीं। क्या शास्त्र सम्मत दिनचर्या तो वन में या गांव में रहकर ही संभव है। महानगर की पोल पट्टी खोल दें, जहाँ शुद्ध मिट्टी सुलभ ना हो, शुद्ध पानी सुलभ ना हो, शुद्ध प्रकाश सुलभ ना हो, शुद्ध पवन सुलभ ना हो, प्रचुर आकाश सुलभ ना हो, शुद्ध मनोभाव सुलभ ना हो, शुद्ध मुस्कान सुलभ ना हो, उसी का नाम महानगर है या नहीं? और फिर क्या है, भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन जहाँ पर मनुष्य को बना दिया जाए उसी का नाम महानगर है। और क्या है, जहाँ संयुक्त परिवार की गति ना हो वही तो महानगर है ना। संयुक्त परिवार का विलोप होगा तो सनातन कुल देवी कुल देवता कुल गुरु कुल पुरुष
सनातन खान पान आचार विचार सबका लोप हो जाएगा, विकास के नाम पर रह किया जाएगा, संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन के रूप में शरीर को ख्यापित करना विकास है या ह्रास। सर्वथा विपरीत ढंग से भारत और विश्व की संरचना हो रही है, इसलिए सब पर काल मल रहा है। सर्वथा विपरीत ढंग से भारत और विश्व की संरचना हो रही, नकलची भारत भी अमेरिका आदि का नकल करके फिर कहाँ जा रहा है। विकास की पोल पट्टी तो खुल गई, अमेरिका को विकास का आदर्श माना जाता था, वहीं से सारी कोरोना देवी सब निकल रही, सारी विसंगति तो अमेरिका से आ रही है ना आजकल। विकास की पोल पट्टी तो खुल गई, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है विकास के नाम पर। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये क्या हो गए, अत्यंत विकृत। चंद्रमा की बनावट किस प्रकार है, पुराणों में है, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। यहाँ की विसंगति के कारण चंद्रमा की सतह भी कई मीटर दूषित हो गई, इसलिए अंत में वेदादि शास्त्र सम्मत ढंग से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हमने राजनीति और विकास की परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत दी है, सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सर्वितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा है। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सर्वितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत, और क्या विकास की परिभाषा हो सकती है। भोग और मोक्ष की सिद्धि के सर्वथा अनुरूप वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना विकास। 5-7 दिन पहले हमने विकास की परिभाषा बनाई गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। भोग और मोक्ष की सिद्धि के सर्वथा अनुरूप वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। वस्तु माने पृथ्वी आदि, व्यक्ति माने देवदत्त इत्यादि। भोग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष अभ्योदय और निश्चयस, भोग और मोक्ष के सर्वथा अनुरूप वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। विकास की परिभाषा को ध्यान में रखकर विकास कीजिए। हम लोग भी विकास के पक्षधर हैं, लेकिन सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने पर विकास के गर्भ से विनाश ही निकल सकता है, जैसा कि आजकल निकल रहा है। अब तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को लक्ष्य बनाकर एक दो वाक्य कहा था, वहाँ के सचिव ने भी अपने शब्दों में हमारे वचन को उद्धृत किया है कि समय जो विकास की परिभाषा है विनाश की ओर विश्व को ले जा रही है। शौचम शौचाचार शुद्धि होने चाहिए। कई बार मैंने कहा कोरोना देवी ने, कोरोना रोग, कोरोना देवी हमने नाम रखा है उनका, कोरोना देवी ने शास्त्रीय सिद्धांतों में आस्थान्वित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्राचीन विधा से हाथ आदि को धोने वाले को लोग ढोंगी कहते थे, अब बार बार हाथ धो, कोरोना देवी कहलाती है, बार बार हाथ धो लोग, दांत को मत खोदते रहो, आँख को मत मीचते रहो, नाक को उंगली मत डालते रहो, नीचे के अंग को हर समय छूते मत रहो, लो हो गया ना। जिसको हम ढोंग कहते थे, अब चेतावनी के रूप में कोरोना देवी कहती है उनका अनुपालन करो नहीं तो मरोगे। इसका अर्थ क्या हुआ, कोरोना देवी ने सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। विविक्त देश सेवित्व अर्थिर्जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम युक्ताहार विहार से लीजिए। गीता के अनुसार मैंने कहा 13वां अध्याय 6ठा अध्याय, कोरोना देवी फटक नहीं सकती,
विविध देश सेवित्व अर्थिजन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्वज्ञानार्थ दर्शनम गीता का 13वां अध्याय। शांत एकांत शुद्ध देश में क्षेत्र में स्थान में रहने का स्वभाव हो। अर्थिजन संसदीय विषय लंपट शराबी कबाबी व्यक्तियों से दूर रहने का स्वभाव हो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अध्यात्म परमात्म तत्व आत्म तत्व के विज्ञान के को प्राप्त करने में संलग्नता हो। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद की भावना से भावित होकर तत्वानुसंधान में प्रीति प्रवृत्ति हो। और क्या युक्ताहार विहारस्य आहार विहार व्यवहार में विसंगति न हो। तो गया ना, कोरोना देवी कैसे फटकेगी। गीता का 13वां अध्याय और 6ठा अध्याय हमने कहा विविध देश सेवित्व अर्थिजन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम युक्ताहार विहारस्य ये सब। शौच 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 माने शुद्धि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि। और शुद्धि देखिए, संध्या वंदन तर्पण से विहीन हो गए, जीवन में अशांति आ गई। संध्या वंदन का अर्थ क्या होता है? संध्या वंदन अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन संध्या का सार है। नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन, वाक और अग्नि के एकत्व का चिंतन, मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन, पांव और वामन के एकत्व का चिंतन, इंद्र और हाथ, हाथ और इंद्र के एकत्व का चिंतन संध्या वंदन है। नेत्र सूर्य के एकत्व का चिंतन होगा तो नेत्र उद्दीप्त रहेंगे, मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन होगा तो मन सुसंस्कृत रहेगा, वाणी और अग्नि के एकत्व का चिंतन अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन, व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का चिंतन संध्या। तर्पण माने प्राप्त अन्न जल आदि के योग से, भावना की प्रगल्भता से, मंत्रों के बल से क्या करें, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबको तृप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। भावना में तो अनुदारता न हो ना। क्या हम जो जल देते हैं हमारे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से समस्त स्थावर जंगम प्राणी तृप्त हों, देवता पिता ऋषि मुनि इत्यादि तृप्त हों, पृथ्वी तृप्त हो, जल तृप्त हो, अग्नि तृप्त हो, वायु तृप्त हो, आकाश तृप्त हो, नरक में पड़े हुए प्राणी भी संतृप्त हों। तर्पण के द्वारा भावना की प्रगल्भता से सबको तृप्त करने हमारा धर्म है। तर्पण के द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना उद्रिक्त होती है। संध्या के द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम कहाँ लिखा है? महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुम्बकम। ये बंद है या ये खुला है? ना खुला है। वसुधैव कुटुम्बकम कहाँ लिखा है? महोपनिषद 6ठा अध्याय। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र से संपन्न जो व्यक्ति हैं वसुधा उनके लिए कुटुंब है। उपलक्षण चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब परिवार के सदस्य हैं। हमारा आपका जो जीवन है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है या नहीं? जियोलॉजी बोटोनी बायोलॉजी सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, हमारा आपका जीवन वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है या नहीं? कहेंगे कैसे? गीता के 3रे अध्याय के अनुसार
माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न होते हैं हम, तो हम क्या हो गए? जरायुज प्राणी। लो जी, हमारा शरीर आपका शरीर क्या है? जरायुज प्राणी। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर हम रहते हैं, अंडज भी हो गए। जेर का मूल है अंडा, आजकल का विज्ञान भी इस बात को मानता है। अंडा का मूल है माता पिता के रजवीरी का संघात, स्वेद पारिभाषिक शब्द है। स्वेद का मूल है उद्भिज्ज, भोज्य सामग्री, भोजन की सामग्री हो गए ना हमारा शरीर विकासवाद, अर्थात हम जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज्ज हैं। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या हमारा शरीर है, यानी अपने शरीर की संरचना पर ही ध्यान दें तो हमारा जीवन अपने लिए और अन्यों के लिए हितकर सिद्ध हो सकता है। हमारा जीवन वसुधैव कुटुंबकम की प्रशस्त व्याख्या है। इसलिए शौचम शुद्धि, शुद्धि का महत्व है। जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों से शरीर की शुद्धि संभव है, उन्हीं तत्वों से शरीर का पोषण संभव है, अन्यथा शोषण संभव है। इसीलिए मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश का सेवन भी आवश्यक है। मुँह में मिट्टी डालें ये नहीं, मृत्तिका का उचित उपयोग, मुल्तानी मिट्टी का हम प्रयोग करते हैं, दो लाभ है। थोड़े से मिट्टी के चूर्ण से काम चल जाता है, मुल्तान भी लेना है तो भाव भी बना रहता है, एक पंथ दो काज। मुल्तानी मिट्टी, साबुन आदि का प्रयोग नहीं, मुल्तानी मिट्टी, चर्बी मिले हुए साबुन का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, उससे शुद्धि के नाम पर अशुद्धि होती। अब लाचारी है, जल तो अशुद्ध ही लेना पड़ता है, क्या बोतल वाला जल, माने अस्पृश्यता तो बस गई। देश का निर्माण ही ऐसा हुआ, कुएं का लोप, जलाशय सरोवर का लोप, गंगा यमुना आदि को विषाक्त बना दिया। देश की संरचना ढंग से कर दी गई है स्वतंत्र भारत में, शुद्धि का मार्ग ही समाप्त कर दिया। विवाह की प्रथा इसी डाल दी गई, जिस विवाह के फलस्वरूप उत्तम कुल की रक्षा हो ही नहीं सकती है, न गोत्र का ध्यान, न प्रवर का ध्यान, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब पूरे देश को थोड़ा ध्यान दें, 6 बज गया। भगवान शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ही बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा, आर्योचित आचार विचार से विहीन जो विश्व के अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ शांत एकांत उद्यान या वाटिका में भी कोई व्यक्ति जाकर बैठ जाए तो भी वहाँ का वायुमंडल उसके हृदय को विकृत किए बिना नहीं रह सकता। लो जी, अब अमेरिका में हुआ में तो मानो जीवन ही सफल नहीं। एक डॉक्टर दयानंद थे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, महाराज जीवन तो तब सार्थक हो एक बार अमेरिका घूमाओ, कौन मना करता। बड़ी विचित्र बात सुनिए, भगवान शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ही भाष्य में लिखा है, आर्योचित भूमि। अब क्या है, भारत को भी आर्योचित आचार विचार से विहीन भूमि बनाने का प्रयास है ना, यही विकास के नाम पर। आर्योचित भूमि का परित्याग करके जहाँ पर आर्योचित आचार विचार नहीं, उन क्षेत्रों में जाए, केवल एकांत में किसी वाटिका में भी उद्यान में भी जाकर बैठ जाए, वहाँ का वायुमंडल उसके मन को दूषित किए बिना नहीं रहेगा। लोग कहते हैं संकीर्ण विचारधारा के, संकीर्ण उदारता के नाम पर जीवन में विसंगतियों को पालना उचित है क्या?
संकीर्ण विचारधारा के, जरा रेल की पटरी को छोड़ के रेल चलाओ ना, प्रशस्त मार्ग बना दो, दुर्घटना हो जाएगी। अरे मर्यादा का उल्लंघन करके मर्यादित जीवन न रहने पर उदारता के नाम पर पछता पलेगी या नहीं? क्या उदारता के नाम पर पछता पालना उचित है? क्या पछता भी नहीं पलेगी, उससे भी गर्हित जीवन हो जाएगा। इसलिए मर्यादा का ध्यान रख करके, मर्यादा का पालन करके ही व्यक्ति असीम तक पहुंच सकता है। मर्यादित जीवन जिसका नहीं है वह असीम तक पहुंच ही नहीं सकता। तो हमने संकेत किया तप शौच प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, गीता का 16वां अध्याय। अब तो सबको असुर बना दिया गया। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा है, शास्त्र सम्मत शासन न होने पर, आचार विचार न होने पर हर व्यक्ति असुर ही होता है। असुर बनाने की फैक्ट्री बना दी गई, नहीं ध्यान गया होगा। पतिव्रता होने पर भी दिति ने अपने पति कश्यप जी को संध्या की वेला में स्पर्श करने के लिए मना करने पर भी बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण उसने दो आतंकवादियों को जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। इससे सिद्ध होता है कि अब तो घर घर में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो जाएंगे। पत्नी का कब स्पर्श करें कब न करें ये विवेक छोड़ देंगे तो काल जासु को दंड, काल ही को दंड का रूप धारण करेगा, अर्थात अपहारक हो जाएगा, मारक हो जाएगा। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही कर्म और ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। वेदादि शास्त्र की मर्यादा को नहीं मानेंगे तो कर्म और ज्ञान हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। इनको विकसित करके भवसिंह से तरने का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। शौचाचार होना चाहिए। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये जो असुर होते हैं न प्रवृत्ति का उनको ज्ञान होता है न निवृत्ति का, उनकी प्रवृत्ति भी विफल होती है निवृत्ति भी। न शौचम, शौचाचार से भी विहीन होते हैं यह है। तो यहाँ शौचम तितिक्षा, तितिक्षा भी जीवन में होनी चाहिए और इच्छा उचित अनुचित का विचार भी होना चाहिए। तितिक्षा माने सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि को सहिष्णुता की सीमा में सहने का अभ्यास, तितिक्षा होनी चाहिए जीवन। धैर्य की पराकाष्ठा हो तब व्यक्ति भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए, कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा माने द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी भूख प्यास मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्याष्टाम तितिक्षा स्वभारत। तितिक्षु नहीं आजकल, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भिक्षु गीतम है। तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास हिंदी में शीर्षक डाला गया, वो जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन में तितिक्षा हो। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान इन सबको पचाने की क्षमता हो। धैर्य, इच्छा, इच्छा का अर्थ है उचित अनुचित का विचार हो। शम, शम का अर्थ है मनोनिग्रह हो। दम का अर्थ है इंद्रिय संयम हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, त्याग हो, स्वाध्याय हो और आर्जव, वक्रता न हो, ऋजुता हो जीवन, संतोष हो, समदृक माने समदर्शिता हो, सेवा का भाव हो, ग्राम्य हो, परमः शनैः, साथ ही साथ धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति हो, उपरामता हो। शनै लिखा ग्राम्य इहा से उपरामता हो। यह नृणाम विपर्यय भिक्षा मौन मात्र विमर्शनम, समय हो गया।
और क्या होना चाहिए। अगर मनुष्य अभिमान पूर्ण प्रयत्न करता है, उसके गर्व से उसको उल्टा फल मिलता है, इसलिए जो हम नहीं चाहते वो हमको प्राप्त ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि उचित चेष्टा हो, आचरण में विसंगति ना हो आदि। मौनम आत्मविमर्शनम, मौन बहुत विचित्र बात है। गीता के 17वें अध्याय में वाणी संबंधी तप में मौन का उल्लेख नहीं है, मन से संबद्ध तप में मौन का उल्लेख, लेकिन वाणी संबंधी तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम चयत सत्य प्रिय हितकर वाक्य हम, उद्वेग उत्पन्न करने वाला न हो वाक्य। आत्मा अद्वय है, उसको जानने प्राप्त करने की क्षमता के लिए अनुद्वेग कर वाक्य हो। आत्मा सत्य है तो वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो, आत्मा चित्त है तो वाणी में हित की प्रतिष्ठा हो, आत्मा आनंद स्वरूप है तो वाणी में प्रियता की प्रतिष्ठा हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम चयत, लेकिन इस प्रकार की वाणी में दिव्यता के अर्जन के लिए क्या होना चाहिए? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ जप भी होता है, स्वाध्याय का अर्थ वेदादि शास्त्रों का अपने अधिकार की सीमा में विधिवत अध्ययन अनुशीलन भी होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान।